हाय गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल सेल्फ केयर सीक्रेट्स आई रियली होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से रह रहे होंगे अगर आप इस चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो आप सभी का बहुत बहुत वेलकम मैं हूं अंजना और इस चैनल में शेयर करती हूं न्यू वीडियो एवरी ट्यूजडे थर्सडे एंड सैटरडे हेयर केयर स्किन केयर बॉडी केयर और टटोट मतलब और कुछ रैंडम वीडियोज मैं कभी कभी डाल देती हूँ ऐसे ही तो आज मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ अबाउट दिस प्रोडक्ट विच इज फ्रॉम सेसा सैसा की तो बात होगी बट सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि मैं क्यों बात कर रही हूँ इस बारे में सबसे बड़ा रीज़न तो ये है कि आप में से कई लोग हैं जो मेरी डी आई वाइज फॉलो करना चाहते हो बट कर नहीं पा रहे ड्यू टू तो टाइम कंस्ट्रेंट आपके पास टाइम नहीं है आप बहुत ज़्यादा बिजी हो इस वजह से तो इसलिए मेरे लिए सारे लोग इम्पोर्टेंट हैं बहुत सारे लोग हैं जो कि डी के लिए टाइम निकाल पाते हैं तो उनके लिए मैंने कितनी डी आप लोगों से शेयर की हैं कितने लोगों को फ़ायदा हुआ है अभी तक मैंने इन डेढ़ सालों में

तो ये मुझे बहुत अच्छी लगी कि इसमें मुझे कुछ ऐसा बाउंडेशन नहीं था अगर मैं इस प्लेटफॉर्म में हूँ तो देखो बहुत जगह से ऐसे ऑप्शन आते ही हैं बट ये अल्टीमेटली हमारा डिसीजन होता है कि हमें क्या करना है जो कि हमारी ऑडियंस के फेवर में भी हो तो इसीलिए वो फ्लेक्सिबिलिटी मुझे मिली तो इसीलिए भी मैंने सोचा कि इसके बारे में बात करना एक सही चीज़ होगी सबसे पहले तो कंपनी के बारे में थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देती हूँ जिन लोगों ने नहीं देखा बट मेजोरिटी ऑफ़ यू वुड नो क्योंकि आप में से कई लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी पर्टिकुलरली इस ब्रांड के बारे में बात करने की तो वो भी एक रीज़न है कि मैंने इसको कंसिडर भी किया सबसे पहले तो ये कंपनी जो है मार्केट में 25 इयर्स से है आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स जो हैं वो बनाते हैं लोगों के लिए तो सबसे पहले मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे सैसा का इस अनियन हेयर ऑयल के बारे में ठीक है सैसा का ये अनियन हेयर ऑयल जो कि आपको मिलता है 200 हंड्रेड का प्रोडक्ट और कॉस्ट कॉस्ट इसका मिट गया मेरे को लगता है मैंने इसका ऑयल कुछ ज़्यादा यूज़ कर लिया <laughs> बट मैं नीचे यहाँ पर लिख दूँगी तो मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ जिससे कि मैं आपको एक सही गाइडेंस दे पाऊँ सो कॉस्ट मैं नीचे ले दूँगी और ये दो साल की वैलिडिटी के साथ आता है और इसमें है अनियन अनियन मेन है प्लस इसमें है भृंगराज भृंगराज का नाम से ही पता चलता है भृंगराज मतलब यहाँ पे राज राज सिमरन वाला राज नहीं है मतलब राजा ऑफ ऑल दी इंडियन हर्ब्स और भृंगराज हमारे बालों के लिए कितना अच्छा है हमारे हेयर फॉल में वो बहुत अच्छा हेल्पफुल है हमारा हेयर फॉल कंट्रोल करता है प्लस अगर जिन लोगों के बालों में सॉफ्टनेस नहीं है वो भी ऐड करता है भृंगराज अब दूसरा कि इसमें अनियन है अनियन के आपको मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे बहुत सारे टू बी वेरी ऑनेस्ट बट किसी किसी में क्या होता है सारी चीज़ें मैंशन नहीं की सिर्फ की इन्ग्रीडियंट्स मैंशन कर दिए तो हमें नहीं पता हम क्या लगा रहे हैं विच इज़ नॉट द केस विद दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट इन्होंने सारे के सारे इन्ग्रीडियंट्स जो है वो मैंशन किए हुए हैं कि ये ये इन्ग्रीडियंट्स जो है हमने अपनी चीज में डाले हुए हैं या हमने अपने प्रोडक्ट में डाले हुए हैं और अगर मैं इनको गो थ्रू भी करती हूँ ना इन्होंने करी लीव्स के एक्सट्रैक्ट्स डाले हैं कैरेट सीड डाला है इन्होंने ऑलिव ऑयल डाला है कैस्टर ऑयल डाला है प्लस इन्होंने आमंड ऑयल अनियन ऑयल ये सारी की सारी चीज़ें इन्होंने यूज़ की हैं दीज आर ऑल गुड थिंग्स जो कि आपके बालों के लिए हैं तो ये तो सारी की सारी थ्योरी हो गई अब बात कर लेते हैं प्रैक्टिकल की कि कैसे यूज़ किया जाता है और किस तरह से काम करता है सबसे पहले तो इसका जो पैकेजिंग है वो इस तरह से आता है एक एप्लीकेटर के साथ आता है एप्लीकेटर का होना मतलब आपके लिए जो एप्लीकेशन है वो थोड़ा इजी हो जाता है क्योंकि आपका जो ऑयल होता है ना ही ज़्यादा गिरता है और ना ही कम गिरता है जितना आपके बालों को चाहिए इस तरह से इसका ऑयल आता है ठीक है इस तरह से इसका ऑयल आता है दूसरा अगर मैं बात करती हूँ इसकी कंसिस्टेंसी की तो ये एक थिन ऑयल तो देखो नहीं है और ना ही एक थिक ऑयल है ये एक मीडियम कंसिस्टेंसी का ऑयल है तो इसीलिए कोई भी इसे यूज़ कर सकता है मीडियम कंसिस्टेंसी है दूसरा इसकी फ्रेग्रेंस इट इज स्ट्रोंग इसकी फ्रेग्रेंस जो है वो काफ़ी स्ट्रांग है बट अगर आप कंपेयर करते हो अपने अनियन जूस से तो उसके आसपास भी नहीं है आपको पता है कि अनियन जूस जो होता है वो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है प्लस जो अनियन जूस होता है वो पंजेंट होता है स्मेल में इसका कोई भी पंजेंट स्मेल नहीं है ये एक बहुत ही एकदम यूनिक सी इसकी स्मेल है मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रही बट पंजेंट स्मेल नहीं है और प्लस शैम्पू करने के बाद ये निकल जाती है सबसे बड़ा एडवांटेज ये है और अनियन जूस जो लोग यूज़ करते हैं वो बोलते हैं कई बार कि नेक्स्ट टाइम तक तो आती जा रही थी मुझे स्मेल तो जो लोग भी ऑफिस जाते हैं स्पेशली उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा एक कन्वीनियंट ऑप्शन नहीं हो पाता अनियन जूस यूज़ करना दूसरा अनियन जूस जो होता है वो आपको हमेशा फ्रेश बनाना पड़ता है चाहे आप अनियन का ऑयल बना रहे हो चाहे आप अनियन का हेयर मास्क बना रहे हो चाहे आप अनियन का सिरम बना रहे हो कुछ भी बना रहे हो वो आपको हमेशा फ्रेश बनाना पड़ता है ये एक लिमिटेशन हो जाती है डी में जो कि जो लोग बना सकते हैं तो बनाओ लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो कि इतना टाइम नहीं निकाल पाते तो उनके लिए इस रीज़न से भी ये कन्वीनियंट ऑप्शन हो गया इस ऑयल को यूज़ करने के बाद मेरा एक्सपीरियंस ये रहा कि मैं जिस दिन भी हेयर मास्क लगाती हूँ उस दिन मैं ऑयलिंग नहीं करती या फिर ऑयलिंग करती हूँ तो हेयर मास्क नहीं करती तो जब मैंने ये वाला ऑयल यूज़ किया तो ऑब्वियसली मैंने हेयर मास्क नहीं लगाया क्योंकि ऑयल भी आपके बालों को नरिश करता है मॉइस्चराइज करता है ऑयल का काम भी होता है ये सो मैंने ये एक्सपीरियंस किया कि उस दिन मेरे बालों को एक्चुअल में हेयर मास्क की जरूरत फील भी नहीं हुई मतलब जो सॉफ्टनेस जो Uh, एक आपको चाहिए होती है कि डिटैंगलिंग इफेक्ट ये इसने मुझे दिया तो ये मुझे इसका सही लगा रिजल्ट तो आई थिंक आप लोगों को भी इससे अच्छा बेनिफिट मिलना चाहिए क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ ये रहा कि अगर मैं बिना इसके हेयर मास्क के यूज़ करती हूँ तो इट वॉज़ एबल टू डू द नेसेसरी जॉब कि आपके बालों को इसने मॉइस्चराइज़ रखा अदरवाइज ड्राइनेस बहुत आ जाती है ना अगर आप बालों में कुछ नहीं लगाते सीधे शैम्पू ये तो आपको कभी करना ही नहीं है ये मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि रूखे बालों में लाइक like, पूरे के पूरे क्लीन बालों में सीधे आप शैम्पू करो ही मत हेयर मास्क करो या हेयर ऑयलिंग करो ये दोनों चीज़ें चाहिए चाहिए होती हैं ठीक है चिके? आप इसे दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हो अगर आपके पास दो से तीन घंटे है तो आप दो से तीन घंटे भी लगा सकते हो या फिर ओवरनाइट भी मैंने इसको दोनों तरीके से यूज किया जस्ट सो आई कैन टेल यू कि हाँ किस तरह से मेरा एक्सपीरियंस था सेम था कुछ भी ऐसा डिफरेंस नहीं था कि अगर मैंने दो से तीन घंटे लगाए तो अलग फीलिंग थी और ओवरनाइट लगाया तो अलग फीलिंग थी इट वॉज सेम तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप वर्किंग हो आप दो से तीन घंटे वाला ऑप्शन नहीं चूज कर पाते क्योंकि आपको नेक्स्ट डे भागना होता है काम के लिए तो आप इसे रात को लगा के नेक्स्ट डे शैम्पू करके एंड देन यू कैन गो फॉर वर्क इस तरह से आप कर सकते हैं। इन शैम्पू आता है रीठा एंड चिकाकाई के साथ जो कि दोनों चीज़ें बहुत अच्छी है हमारे बालों के लिए अब अगला इसका कॉस्ट जो है वो भी हल्का सा मिट गया है क्योंकि यूज हो रहा है इतने टाइम से शैम्पू मैं नीचे ले दूँगी ठीक है सो ये जो है दो साल की वैलिडिटी के साथ आता है थ्री हंड्रेड का बॉटल आता है इतने कॉस्ट में ठीक है अब यहाँ पे आपका जो भी शैम्पू होता है इन्होंने यहाँ पे मेंशन भी किया है तो ये फ्री है फ्रॉम पैराबिन सल्फेट सिलिकॉन ऑल दीज थिंग्स जो हमारा ऑयल था वो था पैराबिन सल्फेट सिलिकॉन एंड मिनरल ऑयल मिनरल ऑयल हम सबको पता है हमारे बालों के लिए कितना हार्मफुल है बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो मैंशन नहीं करते बट उसमें डला होता है जिसका हमें खुद क्लैरिटी नहीं होती तो वो इन्होंने यहाँ पे क्लेम किया हुआ है कि ये चीज़ें नहीं हैं शैम्पूज़ में भी ये तीनों चीज़ें कट डाउन करना चाहते हो अगर आप तो वो आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन होगा ये तीनों चीज़ें इसमें नहीं डली हैं अब बात करते हैं सबसे पहले इसके पैकेजिंग की तो पैकेजिंग के बारे में ये देखो पंप स्टाइल के बॉटल में आता है जब मैं इसका एक पंप निकालती हूँ ना कहीं मैं साइड में भी दिखाऊंगी अभी नीचे दिख नहीं होगा तो इतना सा शैम्पू आता है इतो सा शैम्पू आता है तो आपको इसको काफ़ी पंप निकालने पड़ेंगे तभी आपका शैम्पू निकलेगा कि एक बारी का शैम्पू निकल गया तो इसलिए मैंने तो टू बी वेरी ऑनेस्ट इसको ऐसे यूज़ किया ऐसे खोल के उसके बाद ऐसे उडेल के ऐसे डाल के फिर यूज़ किया अब तो ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है तो कुछ गिरेगा नहीं तो ऐसे करके मैंने इसको डाला था सॉरी साइड वाला जरूर गया <laughs> तो मैंने इसको ऐसे यूज़ किया था और उसके बाद इसकी कंसिस्टेंसी की बात कर लेती हूँ मैं तो इसकी कंसिस्टेंसी देखो मुझे स्टिकी लगी मे बी बिकॉज ये एक जेल बेस्ड शैम्पू है इसीलिए तो इसकी स्टिकीनेस का क्या कर सकते हो आप आप इसको अच्छे से पानी से डाइल्यूट कर सकते हो जो कि मैं आपको हर कोई भी रेगुलर शैम्पू के लिए एडवाइस करती हूँ कि पानी से डाइल्यूट करना इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट तो यहाँ पे भी आपको वही करना पड़ेगा अब बात करते हैं कि इसकी झाग ये आपको झाग अच्छा देता है फॉर अ माइल्ड शैम्पू ये झाग आपको ठीक ठाक दे देता है मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि जो प्रॉपर आपके मार्केट बेस्ड शैम्पू होते हैं उनके लेवल का क्योंकि उसमें ऑब्वियसली सल्फेट है जो कि इसमें नहीं है बट फिर भी जितने माइल्ड शैम्पूज़ होते हैं वो कई बार झाग ही नहीं देते हम ऐसे ऐसे करते रहते हैं कुछ होता ही नहीं है फिर हमें वो फीलिंग ही नहीं आती कि हमने अपने बाल धोए हैं वो इसके साथ नहीं है ये झाग देता है मतलब मीडियम झाग दे देता है आपको बट शैम्पू की एक नॉर्मल जॉब होती है कि आपके बालों को वो अच्छे से क्लेंस करें आपका ऑयल ना छोड़े आपका जो ऑयल है वो अच्छे से निकाल दे अब ऑयल की बात आ गई तो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने इस वाले ऑयल के बाद ये वाला शैम्पू यूज़ किया तो मैंने नोटिस किया कि इसमें आपको शैम्पू काफ़ी कम्पेरेटिवली ज़्यादा लगेगा जितना आप नॉर्मल लगाते हो जैसे मैं डी आई हेयर मास्क बहुत लगाती हूँ तो अगर आपने हेयर मास्क लगाया उसके बाद आपने शैम्पू किया क्योंकि हेयर मास्क को आप पहले पानी से अच्छे से रिंस करोगे उसके बाद शैम्पू लगाओगे हेयर मास्क में क्या होता है आपके जितने भी बालों में लगा हुआ है ना वो पहले पानी से पूरा निकल जाना चाहिए उसके बाद ही आप शैम्पू लगाते हो तो उस केस में तो ये बहुत जल्दी आपका क्लीन कर देता है लेकिन जब आप ऑयल के बाद लगाते हो तो उस केस में आपको शैम्पू ज़्यादा लगाना पड़ता है लास्ट एंड फाइनल प्रोडक्ट जिसके बारे में बात करने वाली हूँ वो है अनियन कंडीशनर यहाँ पे लिखा है रिपेयर्स हेयर डैमेज देखो कंडीशनर्स के नाम से ही पता चलता है कि कंडीशनर्स क्या होते हैं जो कि हमारे बालों को कंडीशन करते हैं यूजुअली मैं डी आई वाई एस पे रिलाई करती हूँ इस वाले पर्पज़ के लिए क्योंकि मेरे पास टाइम है जो कि मैं अपने बालों को दे पा रही हूँ बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं दे पा रहे तो उन लोगों के लिए एक ऑप्शन हो सकता है और दूसरा यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है कि ये आपके बालों को शाइन देता है जो कि कंडीशनर्स कर सकते हैं आपके बालों को सॉफ्ट बनाता है आपके बालों को डिटेंगल करता है सो so, जो भी एक नॉर्मल कंडीशनर की जॉब होती है वो ये सही से कर पा रहे हैं तो ये काफी अच्छे तरीके से निकल जाता है और इसकी कंसिस्टेंसी कुछ ऐसी दिखती है एक नॉर्मल कंडीशनर को आप कैसे यूज करते हो आपने शैम्पू किया और अपने गीले बालों पर आपने लिया और ऐसे ऐसे करके अपने पूरे के पूरे स्टैंड में ऐसे लगा लिया एंड तक बस ऐसे ही आपको भी इसको यूज करना है थोड़ी देर के लिए रखना है और उसके बाद रिंस ऑफ कर लेना है तो मेरे घर में ऐसे लोग हैं जो डी नहीं करते मार्केट वाले कंडीशनर्स यूज़ करते हैं तो उन्होंने इसको ट्राई किया है और उनको इससे काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला है मेरे केस में मैं जो कंडीशनर्स होते हैं मैं इसलिए भी यूज़ नहीं करती क्योंकि मेरे बाल जो होते हैं वो एकदम से ऐसे चिपड़े से बन जाते हैं कंडीशनर्स यूज़ करने के बाद <laughs> बट समहा जब मैंने इसको ट्राई किया तो वो चीज़ मुझे महसूस नहीं हुई मेरे बालों को जो एक डी हेयर मास्क या डी कंडीशनर दे सकता था इफ़ेक्ट वो ये दे पा रहा है बट इट जस्ट दैट क्योंकि मेरे पास टाइम होता है तो मैं खुद से बना लेती हूँ बट बहुत सारे लोग हैं जिनके पास टाइम नहीं होता तो फिर वो लोग रेडीमेड ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं और इसके अलावा काफ़ी बड़ी बॉटल में आता है तो काफ़ी टाइम चल जाएगा आपका प्लस इनकी वेबसाइट पे एक ऑफर भी चल रहा है जो कि आपको 20% परसेंट डिस्काउंट देता है जिसका कूपन कोड मैं नीचे डाल दूंगी आप जाके उसे चेकआउट कर सकते हो नीचे जो मैंने लिंक्स दिए हैं वहाँ पे जाके आप क्लिक करोगे तो आपको डायरेक्टली वो दिखा देगा कि कहाँ से आप परचेज़ कर सकते हो वेबसाइट से सो so, आप इसे ज़रूर ट्राई करना काइज और जैसे कि मेरी रिकमेंडेशन पे आप डी आई ट्राई करते हो आपको फायदा होता है तो वैसे ही मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि इसको यूज़ करने के बाद भी अपना ऑनेस्ट रिव्यू यहाँ पे आप देना मैं वेट करूंगी क्योंकि मेरा अल्टीमेट गोल है कि आपको फायदा हो है हाँ ना सो so इसलिए नीचे आके मुझे ज़रूर बताना आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगा है इन्फॉर्मेटिव लगा है इफ दी आंसर इज यस इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना अब मैं मिलूंगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में टिल देन बाय